बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सब बहुत खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ। तो बहुत आसान है। तो मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जिसके लिए मैं 2 कप मैदा लूँगी। बिस्मिल्ला। और 1.5 कप हम चीनी लेंगे। चीनी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक कप और 1/2 कप। और 1/2 कप ही हम यहाँ पे सूजी लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको ऐड करेंगे। ये मैंने तिल ली है, 3 से 4 चम्मच ले सकते हैं आप। अब इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, 1/2 कप। आपने दूध में इसको गूंदना है। तो इसको निकालते हैं और हम हाथों से इसको अच्छी तरह मस लेंगे। अच्छी तरह आप इसको हाथों से मिक्स करें। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखें, आपने इसको इतना सख्त गूंदना है और 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो चलें छोड़ते हैं इसको 1 घंटे के लिए। तो इसको काफी टाइम गुजर चुका है, तो चलें इसको तैयार करते हैं। तो इसको हम हाथ निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। मैदा छिड़कते हैं। चलिए इसको बेल लेते हैं। अब इसके ऊपर हम और तेल लगाएंगे और इनको प्रेस कर दें अच्छी तरह। तो चले हम इसको इस कटर से इसको साइड से उठा लेते हैं। तो ये बाकी के बचे हुए का आप फिर से दोबारा बना लें। चलो जी, तो चले इनको करते हैं फ्राई। तो हम एक पैन लेते हैं, तो उसमें ऑयल डालते हैं। तो इसको करते हैं गरम। तो देखें, ऑयल को आपने बहुत ज्यादा गरम नहीं करना,
बिस्मिल्लाह, मीडियम रखें, और फ्लेम को भी मीडियम रखें। तो ऑयल में आपने इनको डिप करना है। तो ये लाइट ब्राउन हो चुकी है, तो इनकी साइड को चेंज करते हैं। तो इनका कलर बहुत अच्छा सा है, तो चले इनको निकाल लेते हैं। तो ये मीठी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।